आज रे वीडियो रे मैंने मैं आपने बहुत ही अलग तरह साबुत मूंगरी दाल बनावनी बताऊला। आ दाल आपने घर में आप बना लोला तो आपने सब्जी बनाने भी जरूरत नहीं पड़ेला। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। तो पदार मार रसोई रे मैंने अपा दाल बनावनी शुरू करा। इन वास्ते मैं एक कप साबुत मूंग लिया हूँ जेका वजन रे मैंने लगभग 250 ग्राम मूंग है। यूँ तो मार्केट रे मैंने मूंग आसानी मिल जावे। आपने कहना मूंग नहीं वे उन जगह में तो चाहिए आप मूंगरी दाल वे छिल करी वह भी आप ले लीजिए बोली। डिफरेंस दर मान इतो ही है आ दाल आपने करीब आधा घंटा पहले भिगावला तो आपने जल्दी बन जावेला। परंतु तो मूंग आप लेवला तो मूंग ना आपने कम से कम 4-5 घंटा पहले भिगावना पड़ेला। या सुबह सुबह बनावना आपने तो रात्रि जब भिगाने रख दीजो तो सुबह आप बहुत ही अच्छे बनने तैयार वेला। इन तरह मैं रात्रि इन मूंग ने साफ 4-5 बारी पानी धो ने भिगाने रख दी तो देखो मूंग अच्छा फूल गया। कम से कम 4-5 घंटा पहले भिगावा जो अच्छा फूल जाया करे। आपने शाम री टाइम बनावना हुआ तो आप सुबह चाय भिगाने रख सको तो शाम तक आपने बहुत ही अच्छा बनना तैयार हो जाए। इन्हीं साथ इन मैं डालन वास्ते मैं 1/2 कप चीना की दाल ली हूँ। चीना दाल का कॉम्बिनेशन इन आते बहुत ही अच्छा लग गया करे। इन्हें भी मैं साफ दो ने मूंग रहते आते ही भिगाने रख दी। आप चाहो तो दो है ना मूंग ने चना दाल नहाते ही भली भिगाने रख सको। मन तो आपने दिखावना वास्ते मैं अलग भी गई हूँ इन्हें बाकी चाहे आप तो साथ ही भिगाने रख सको तो देखो दाल भी बहुत अच्छी फूल गई है। इन तरह भिगड़ो वह कह तो बहुत जल्दी पक जाया करें। अब इन्हें पानी निकाल लेवा इन कुकर मैं डाल दे मैं नापने अपा इन पानी घाल देवा। तो 1 कप अपा मूंग लिया के तो अपा मूंग रे पाते 2 कप पानी घाल देवा और चना दाल अपा 1/2 कप ली भी हाँ इस वास्ते आधो कप पानी फिर घाल देवा। कुल मिलान अपन 2.5 कप पानी घाल लेना। अब इन मान अपा आधा छोटा चम्मच वेज तो नमक डाल देवा। गैस ने अपा चालू कर देवा। इन्हीं साथ 1/2 छोटा चम्मच वेज तो इन मान अपा हल्दी डाल देवा और 2 मैं तेज पत्ता लिया हूँ ये भी मैं डाल देवा। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आवेला न तेज पत्ता अपने हेल्थ वास्ते भी अच्छा होया करे तो अपन जरूर खाना चाहिए। 1/2 छोटा चम्मच वेज तीन मैंने अपना हींग डाल देवा। हिंगरी खुशबू इन मैंने बहुत अच्छी बैठ जावेला। काफ़ी बार कही हुए कुकर मैंने अपना पकावा के जब दाल बारह आवनी हो जाएगा सीटी बारह दाल आवनी हो जाए करे तो उन टाइम अपन ने 1 टीस्पून वेज तक घी डाल देना। घी या तेल कुछ भी डाल सको आप जिन्हों को यह दाल बारह नहीं आवेला। अब आप ढक्कन लगाना इन्हें 4-5 सीटी तक पकावला। अब अपना कुकर में मैंने 5 सीटी आएगी है। 5 सीटी आया पे अपन गैस ने बंद कर दी होना। इन्हें भाप बाहर नहीं निकालना। अब बार आप देखे ओला के देखो अपन इन मैंने घी डालने से बारे कुछ भी दाल का पानी नहीं आया है। कुकर अपना एकदम साफ है। तो इन तरह करीब भी अपना दाल वगैरह पकावनी हुए उन साथ आपने घी या तेल थोड़ा डाल दिया होना चाहिए जिन्होंने कही कुकर आपने साफ रहे वाला बारू गंदो भी नहीं वेला। अब आप इन भाप नहीं निकाला कुकर धीरे धीरे ठंडो हो जाला उन बादरे मैं आप खोलला जितना थोड़ी देर तक और दाल पकती रहला। अब आप दाल छोकने की तैयारी कर ला। इस वास्ते मैं कडालो लिए हूँ। कडालो मैंने पसो पर 2 टेबल स्पून वजह घी डाल दूँ। आप चाहो तो दाल तेल दे मैं बना सको। मैं कही दाल वगैरह हमेशा घी में बनाया करो। इस वास्ते मैं घी में कर रही हूँ। गैस ने चालू कर दूँ। घी आप अपने हिसाब कम पत्तो भी डाल सको। भाई घी अपना पिघल गया है आँच ने थोड़ी अपना धीरे कर लेवा। इन मान मैं 7-8 कलिया लहसुन ली हुई जिन्हें मई मई काट ली होता यही मैं डाल दी। आप लहसुन नहीं खाता तो मत डाल दो। आप लहसुन ने बहुत ज़्यादा नहीं पकावाला। बहुत ज़्यादा पकावा तो के कलर चेंज हो जाए करे पर खाऊ में स्वाद नहीं लगे। इन्हीं साथ ही मैं डालने वास्ते मैं 8-10 काली मिर्चा ली हुई हूँ ये भी मैं डाल दी। 3 मैं लौंग लिया हूँ ये भी मैं डाल दी। आँच नहीं तो मैं अपना धीरे कर ली हूँ। 1 मैं बड़ी इलायची ली हुई हूँ जिन्हें मुंडो खोल दिया हूँ मैं और भी मैं डाल दी। 2 मैं हरी इलायची ली हुई इन्हें भी मुंडो खोल दिया हूँ मैं ये भी मैं डाल दी। 1 छोटा टुकड़ा मैं दालचीनी लिया हूँ और भी मैं डाल दी। इन्हीं साथ मैं 1/2 इंच अदरक लिया जिन्हें मैं पत्ता पतला लच्छा मैं काट लिया हूँ मैं और भी मैं डाल दी। लहसुन पक्या जी तो यह सब चीज़ें भी अपना हाथ पक गया है। अब इन मैंने अपा मैं 2 मीडियम साइज का प्याज लिया हूँ जिसका छोटा छोटा काट लिया हूँ। प्याज ने कदम भी अपना महीन काटने डालना। कांदा ने अपना ज़्यादा नहीं पकावा लेने भी हल्का ट्रांसलूसन दिखन डूब जावे इतने ही पकावना अपन है क्योंकि कांदा और मिठास कही है सब्जी में रहा करे। तो कांदा भी अपन हल्का ट्रांसलूसन दिखन डूब गया है इन कांदा का स्वाद बहुत ही अच्छा आया करे। अब मैं 2 लाल टमाटर लिया हूँ जिन्हें भी छोटा छोटा काट लिया हूँ ये भी मैं डाल दी। आप चाहो तो टमाटर का पेस्ट बनाने भी डाल सको पर टमाटर इन मैंने भी अच्छी तरह पक जावेला। आप रखें अदरक लहसुन का पेस्ट बताओ वो भी आप डाल सको चाहे इनमें। अब इन मान में 1 छोटा चम्मच नमक डाल दूँ। नमक डालने से कई वेला टमाटर मानो पानी छूटना शुरू हो जाएगा जिन टमाटर कहीं जल्दी पक जाएगा। इन मान पानी डालने की जरूरत नहीं है अपन आँच ने अपन इंटर बाद धीरे कर ले और ढक्कन लगाने अपन इन्हें 3-4 मिनट तक पका ले। 3-4 मिनट में अपन टमाटर अच्छा पक जाएगा। इन्हें बिचरे मायने चाहिए आप एक आधी वाल खोलना इन्हें चला लीजिए। अब अपना टमाटर साइड रे मायने पके
जी तपा एक पेस्ट बनाना तैयार कर ला जी को इन सब्जी मैंने आप डाला ला। इन वास्ते मैं ये पनीर लिया हूँ जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ा मैंने काट लिया हूँ और लगभग 100-150 ग्राम पनीर है। आप पनीर घरे भी इजीली बना तैयार कर सको, बाजारों भी लेना आ सको। घर बनो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 10 मिनट मैंने पनीर बनना तैयार हो जाए। अब इन मैंने पास 2 हरी मिर्ची डाल दे हूँ, बड़ी बड़ी तोड़ने डाली हूँ मैं, ये भी मैं डाल दें न। थोड़ा मैं हरा धाना लिया हूँ, ये भी मैं डाल दें। इतना डंटल पतला पतला ही रास्ते मैं निकालिया नहीं हूँ, आप डंटल पकौड़ा हुआ तो आप निकाल दीजो, पक्का डंटल नहीं खाना। अब इन मैंने पास थोड़ा पानी डाल दें जिनको कि पिसन में आराम रहे वाला। अब आप पीस ले मैंने इन मान थोड़ा पानी आप और डाल दें जिन्हों अच्छा पेस्ट बनना तैयार हो जाए। पेस्ट अपना एकदम स्मूथ बना तैयार करना है। तो आप देख रहे हो और पेस्ट कितना अच्छा बनना तैयार हुई, एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया। इन टेस्ट इन मैंने अपना दाल में डाल रहा तो बहुत अच्छा लगेगा। जितना आप पेस्ट बनाना तैयार करिए उतनी देर में मैंने अपना टमाटर भी पक गया है। तो टमाटर ना पाए एक बार चेक कर लें। देखो टमाटर अपना सॉफ्ट हो गया है, इन तो दबाव के टमाटर देखो पूरा गल गया है। टमाटर 4-5 मिनट में अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। मैं टमाटर में पानी और प्याज में पानी भी छूट गया, अच्छा मैस हो रहा है टमाटर देखो। अब इन मैंने पर दूसरा मसाला डाल दी हूँ, 1 छोटा चम्मच वजी तीन मैंने पर लाल मिर्ची डाल दे हूँ, 1/2 छोटा चम्मच वजी तीन मैंने पर हल्दी डाल दे हूँ। हल्दी अपने पहले भी डाल ओड़ी है दाल पैजे टेमरा इस वास्ते अपना 1/2 छोटा चम्मच ही डाल दी। 1 छोटा चम्मच वजी तीन मैंने पर सूखा धाना डाल दी हूँ और सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मसाला भी अपना टमाटर और प्याज के पानी ने मैंने पक जा रहा है, कितना सुंदर कलर आई क्या देखो। अब इन मैंने पनीर रोज को पेस्ट बना रखी हो और डाल दी हूँ। इन्हों इन मैंने क्रीमी टेस्ट आवाला खाऊंड मैंने बहुत ही स्वादिष्ट लगे ला। एड़ी दाल आप पहले कदे बना नहीं खाई बोला, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनना तैयार होया करें। इन टाइम मैं आपने याद दिला दूँ कि आपने मेरी रेसिपी कड़ी लाग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। आपने अच्छी लगी हुए तो आप लाइक कर जो, अच्छी नहीं लगी हुआ तो डिसलाइक भी कर सको। आप कमेंट करने जरूर मैंने बताइजो कि आपने कड़ी लागी है। अब इन मिक्सी रखने टाइम मैं थोड़ा पानी डाल दिया हूँ मैं ने अच्छी तरह मिक्स कर लिया हूँ। मिक्सी भी साफ हो जाए वाला और ऐसी को और अपने दाल रहा मैंने जावल पर दाल रहा मसाला देखो अब कितना क्रीमी लग रही है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इन टाइम रही। पनीर अपा काटने गाला उन्हें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आवा जितना इन मान पीसने गाला जिन्हें टेस्ट आवेला, बहुत ही स्वादिष्ट बनने तैयार वेला। तो आप देख रहे हो इन मैंने सब्जियाँ भी हो गया है, पनीर भी हो गया है और दाल भी अपन हो जावेला। तो आपने अलग कोई सब्जी बनाने जरूरत ही नहीं है, अपने आप में सब्जी भी हो जावेला और दाल भी हो जावेला ना खाउन में टेस्ट तो इन्हें बहुत ही लाजवाब वेला। अब आँस ने अपना धीरे कर ला, आँस ने धीरे करने एक बार अपना कुकर ने चेक कर ला तो कुकर में अपने दाल है अच्छी पकी या नहीं पकी। तो कुकर ही भाप पूरी खत्म हो गया देखो, भाप खत्म होया पे कुकर ना पाई इन तरह खोलना देख लिया। अब देखो अपना मूंग दाल बहुत ही अच्छी पक गई है, इन तरह दबाना देख लो देखो दाल देखो बहुत अच्छी पक गई है। इन तरह दाल अच्छी पक जाऊनी चाहिए तो दाल मैस हो रही है देखो। आज 4-5 सीटी में अच्छी पक जाया करो दाल, अच्छी बीन जोड़ी वाला तो बहुत जल्दी पक जाया करें। अटे मैं आपने कुकर लारे पे दिखा दूँ देखो, कोई भी दाल रो पीस भी अटान नहीं चिपकी है। इस वास्ते अपना थोड़ा सा 1 चम्मच वही तो घी या तेल डाल दी उन्हें दाल पका हो जाए तो कुकर खराब नहीं हुआ अपना दाल भी अच्छी पक जाए। साइड में अपना मसाला रे मायने भी तो घी छूट गया है, मसाला अपना बहुत अच्छा पक गया है। अब इन मैंने अपना दाल जी की पकान रखी एक बार डाल दी हूँ, इन्हें मिक्स कर ले हूँ। दाल ने पाई तो झाड़ी नहीं रखा ला, दाल अब बहुत झाड़ी है। इन मैंने थोड़ा अपना पानी डाला ला, इन कुकर में मैंने अपना पानी डाल दें जिन दाल थोड़ी पतली हो जाए। अब इनमें मैं 1 कप पे जितना पानी डाल दिया हूँ ना और भी मैं डाल दी हूँ। दाल बहुत ज़्यादा झड़ी हुआ तो अच्छी नहीं लगे करे, थोड़ी सी पतली वाला तो अच्छी लगे। ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, आप रेस्टोरेंट में वगैरह खाई वाला दाल कभी तो हल्की पतली होया करे। आप देख रहे हो दाल का कलर कितना अच्छा लग रहा है देखो, बहुत ही क्रीमी दाल बनना तैयार हो गई है। अब इन दाल रहे मैंने पाचा उकड़ आए गए है, उकड़ आया और बाद मैंने अपना ढक्कन लगाने हैं 3-4 मिनट तक और पका लें। वहाँ पर आँच ने अपना थोड़ी धीरे कर लें, वहाँ धीरे आँच में पका वाला इन मैं ढक्कन लगा दें वहाँ क्योंकि दाल अच्छी गूट जावेला, इन्हें खाने स्वाद और भी बढ़ जावेला। मैं दाल ने अपना 5 मिनट तक और पका ली हाँ, 5 मिनट में देखो दाल अच्छी गुट गई है देखो, बहुत ही अच्छी दाल बनने तैयार हो गई है। मैं इन दाल ने रोटी साथ खावाला इस वास्ते मैं इन्हें ज़्यादा पतली नहीं करी हूँ, आप चावल साथ खाता वो थोड़ी पतली भी कर सको। अब इन मैंने अपना 1/2 छोटा चम्मच होता है गर्म मसाला डाल दें, गर्म मसाला निकला मिक्स कर लें। अपना गर्म मसाला फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग गया कर दाल में, मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी। आप चाहो तो यूँ ही दाल ने सर्व कर सको पर मैं इन माता थोड़ा चमको लगाने सर्व किया करूँ तो वो चमको क्यों कर लगाना वो आपने मैं बताऊँगा। लास्ट में इन मैंने अपना थोड़ा सा नींबू रस डाल दिया, 1 नींबू रस है वो लास्ट में डालना अपने ने गैस बंद कर दी हूँ। इन्होंने स्वाद बहुत ही अच्छा वाला दाल रहा भाई, छोंक लगो इन वास्ते अपना एक बर्तन लिया हाँ। इन मैंने अपना 1 टेबल स्पून वजह तो घी डाल दी भाई, घी अपना गर्म हो गया है। इन मैंने अपना 1 टी स्पून वजह तो जीरो डाल दी हूँ, जीरो अपना पक गया है
तो गैस ना बंद कर दे, हाफ टी स्पून वजह थी लाल मिर्ची डाल दें, मिक्स करना अपना पे दाल दे मैंने छौक लगा दी। अबे अपनी दाल है सर्व करने वास्ते तैयार है। एक बार आप अपने घर में मैंने बनाने देख जो, तो आपने मेरी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैंने जरूर बताइए। बिला साहब बेरेडी दूजे वीडियो मायने, जब तक राम राम साहब।